ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। देश के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर जारी है और ऐसे में माया नगरी मुंबई की बात करें तो मंगलवार की रात झमाझम बारिश हुई और जिसके चलते निचले इलाके जो दरिया बन गई है, घरों तक पानी पहुंच गया है, कार बाइक पानी में डूब गई है, सड़कें लबालब हो गई हैं, मुंबई के सड़कों पे पानी की लहरें और दुकानों में पानी समा गई है, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई है। यही नहीं, कार बाइक कई गाड़ियां फंस गई हैं। दो दिन से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। रातों रात भारी बारिश के बाद हम आपको बता रहे हैं, मुंबई स्टेशन और उसके आसपास के इलाके में पानी भरा हुआ है और अमृत नगर दरगाह का नाला ओवरफ्लो हो गई है, जिसके कारण सड़कों पर पानी की लहरें दिखाई दी, सोसाइटियों में पानी घुस गई है और कौसा के अमीनाबाग चांद नगर में एक बार फिर भय का माहौल, लोगों के घरों में पानी घुस गई है। क्योंकि अमीनाबाद चांद नगर ये निचली इलाका है और पिछले महीने में ये पूरा इलाका डूब गया था, बाढ़ की शिकार हुई थी ये इलाका जहां नाव चल रही थी। ऐसे में एक बार फिर इस इलाके में अफरा तफरी मची है और मौसम विभाग की चेतावनी पहले से जारी है। अमीनाबाग में लोगों के घरों में जमीन से पानी निकलना शुरू हो गया है और कौसा रसीद कंपाउंड श्रीलंका इलाके में पानी पानी हो गया है। यहाँ पर एक बड़ा नाला है जो ओवरफ्लो हो गई है और चालियों में सोसाइटियों में पानी ही पानी दिखाई दे रही है। लोग सदमे में हैं, यहाँ भी घरों में पानी समा गई है। यही नहीं, भारी बारिश के चलते भारत गेयर, भोईर कंपाउंड, दीवा उत्तर, शिव दहिसर मोरी के इन इलाकों में जल भराव हुआ है। मौसम विभाग बार बार चेतावनी दे रहा है, अगले कुछ दिनों भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई कर सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।